पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि स्त्रियों के लिए मासिक धर्म क्यों महत्वपूर्ण है मासिक को धर्म से जोड़ते हुए हमारे यहाँ पहले से ही क्या रीति रिवाज चले आ रहे हैं और तकलीफ देह मासिक क्या होता है इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल इरेग्यूल क्या होती है सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक स्वस्थ मासिक धर्म चक्र क्या होता है वैसे तो स्वस्थ मासिक धर्म चक्र दिन का होता है, लेकिन कभी कभी 21 से 45 दिन तक भी ये नॉर्मल माना जाता है। किसी लड़की को पहली बार जब मासिक आता है, तो उसके एक या दो साल तक उसके पीरियड्स लंबे समय तक चल सकता है और हर महीने की शुरुआत अलग अलग दिन पर हो सकती है जब वो बड़ी होती है तो उसके मासिक चक्र नियमित हो जाते हैं कम दिनों के होते हैं और फिक्स डेट पे आते हैं डॉक्टर नॉर्मल ब्रीडिंग में ब्लड की कितनी क्वांटिटी नॉर्मल मानी जानी चाहिए आमतौर पर ब्रीडिंग को मापने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर पीरियड्स सात दिन से ज़्यादा हो या पैड्स को फ्रीक्वेंटली दो दो घंटे में चेंज करना पड़ रहा है तो ये अब ब्लीडिंग ब्रीडिंग होती है डिब्बल जी क्या कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान ब्लड पूरी तरह से ना निकल पाए और पाँच एम या एक चम्मच ब्लड यूटरस में अंदर ही रह जाए और फिर अगले 21 से 25 दिन तक इसके निकलने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगी देखिए सबसे पहला जानना ये जरूरी है कि मासिक में ब्लड लॉस क्यों होता है दरअसल ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग की शेडिंग की वजह से होता है और उसमें नशे टूटने लगती है और वो म्यूकस के साथ सर्विक्स और वेजने से बाहर निकल जाता है कभी कभी ऐसा होता है एंडोमेट्रियल का जो लाइनिंग है वो मोटा होता चला जाता है और जब वो शेड होता है तो ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा हो सकती है और तो और कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये ब्लड यूट्रस में रुक सकता है जैसे इम्पोफोरेट हाइमिन और ट्रांसफर्स वर्जेनल सेप्टम बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ वेजीना में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके अलावा कैंसर सर्वाइकल कैंसर एम और डिलीवरी के बाद भी ये अवस्था हो सकती है तो इसका इलाज क्या है डिम्बल जी जी हिमेट्रोमेट्रा के उपचार के लिए एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें सर्विस को डायलेट करके ब्लड यूट्रस से बाहर निकाला जाता है हितल ये पीरियड्स की इरेगुलरिटीज कितने टाइप की हो सकती हैं? पीरियड्स की इरेगुलरिटी में शामिल है एमेनोरिया पॉलीमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया मेनोरेजिया मेटोरार्गिया एंड एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पॉलीमोनोरिया है जो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से कम होती है जबकि सामान्य मासिक धर्म 28 से 38 डेज का होता है और जहाँ तक ओलिगोमेनोरिया की बात है मेनार्क यानी किशोरावस्था के दौरान पीरियड्स जो होते हैं वो कभी कभी कम आते हैं दूसरा जब मेनोपॉज होता है उसके पहले भी जो पीरियड्स आते हैं कभी कभी कुछ कम होते हैं और तीसरा डिलीवरी के बाद भी थोड़े महीनों के लिए ओलिगोमियर हो सकता है किशोरियों और मेनोपॉज के नज़दीक जो महिलाएँ हैं आमतौर पर कोई इलाज की जरूरत नहीं है लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिसे हम मेटोरगिया कहते हैं मेटोर में अनियमित अंतराल पर यूट्रस से ब्लड लॉस होता है मेनोरेजिया का मतलब है सात दिनों से अधिक समय तक चलने वाले पीरियड्स मेनोरेजिया के लक्षण में शामिल है लगातार कई घंटों तक हर घंटे एक से ज्यादा टेम्पन्स बदलना या सैनिटरी नैपकिन बदलना डबल पैड्स को एक ही बार में यूज करना रात के समय नैपकिन या टेम्पन्स बदलना लंबे समय यानी एक सप्ताह से ज्यादा तक चलने वाले पीरियड्स पैसे के सिक्के या उसके बड़े आकार के क्लॉट्स ब्लीडिंग के साथ बहना ब्लीडिंग इतनी हेवी हो कि आप डेली रूटीन भी ना कर पाए पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना एनर्जी कम होना सांस की तकलीफ होना और मेनोरेजिया की समस्या कब पैदा होती है इसके मुख्य कारण हैं गर्भाशय में एब्नॉर्मल ग्रोथ ट्यूमर या कैंसर सर्विक्स में कैंसर बर्थ कंट्रोल पिल्स गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं जैसे मिसकैरेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चलते गर्भाशय के बाहर गर्भ स्थापित हो जाना ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लीवर किडनी या थायराइड की बीमारी पेल्विक इन्फ्लेमेट डिजीज कुछ दवाएं लेना जैसे एस्परिन गर्भ के अस्तर, मार्सपेशिया उसमें फाइब्रोड्स या पॉलिप्स होना इस तरह की स्थितियों में मेनोरेजिया हो सकता है मासिक धर्म की का कारण क्या है मासिक धर्म चक्र की इरेग्यूलिटीज के कई अलग अलग कारण हैं। इसमें हो सकता है गर्भावस्था या स्तनपान खान पान की गड़बड़ियाँ, बहुत ज्यादा वजन बहुत कम वज़न या एक्सरसाइज जो बहुत हैवी होती है पॉलिस ओवेरियन सिंड्रोम 40 वर्ष की उम्र से पहले सामान्य ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं उसका निष्क्रिय होना पांचवा होता है वेजिना के क्षेत्र में कुछ सूजन या बीमारी जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं इसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और एक महत्वपूर्ण लेकिन आम कारण है गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स होम्योपैथी में कुछ दवाएं हैं जो इसको इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करती हैं, जैसे है थूजा थेलोर इत्यादि इरेगुलर पीरियड्स की वो कौन सी कंडीशन हैं जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से अलर्ट रहना चाहिए पहला ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं फिर भी आपको तीन महीने से ज़्यादा पीरियड्स नहीं आ रहे हैं दूसरा आपको पहले पीरियड्स रेगुलर आ रहे थे अभी इरेगुलर हो गए हैं तीसरा आपको सात दिनों से अधिक ब्लीडिंग जा रही है चौथा अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और वो एक या दो घंटे से ज़्यादा हो रही है और आपको बार बार पैड्स बदलना पड़ रहा है पाँचवा अगर आपको मासिक इक्कीस दिनों में आ रहे थे और अब वो पैंतालीस दिनों के बाद आ रहे हैं या फिर इक्कीस दिन से पहले आ रहे हैं अगर आप मासिक चक्र के बीच में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है अगर आपको मासिक के दौरान गंभीर दर्द होता है अगर आपको अचानक बुखार आ जाता है और आप बीमार गिर जाते हैं जहाँ पे आपको अलर्ट रहना चाहिए बहुत अच्छी बात बताई आपने अब क्या आप इस बारे में कुछ घरेलू उपाय बताना चाहेंगी हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप अदरक का काढ़ा पी सकते हैं ये गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा है स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद भी डाल सकते हैं प्रत्येक भोजन के साथ इसको आप ले सकते हैं मासिक चक्र के दौरान दो ग्राम सरसों के बीज का चूर्ण दूध में मिलाकर दो बार ले सकती हैं आप दालचीनी की चाय भी पी सकते हैं या दालचीनी का पाउडर का काढ़ा बनाकर भी पी सकती हैं कुछ और बातें हैं जैसे कि शरीर में विशाल तत्वों को निकालने के लिए आप दस बारह ग्लास पानी पी सकते हैं बॉडी वेट मेंटेन कीजिए उचित व्यायाम करिए पियूष जी आपकी क्लेंजिंग थे पिटारे में भी तो बहुत सारे इलाज है कुछ हमें बताइए अरे वाह पिटारा देखिए ये मैंने किताब लिखी थी पहले भी रेफर किया था इसमें मैंने यूट्रस क्लीन के बारे में, में मेंशन किया हुआ है हिंदी की बुक में भी मैंने यूट्रस क्लीन के बारे में, में मेंशन किया है इसमें अंदर मैंने दो तीन इंग्रेडिएंट्स की चर्चा की है गेंदे का फूल है कैस्टर ऑयल है मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसको प्रयोग करते हैं तो एक एक करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये ये करीब अस्सी सौ रुपये किलो के होते हैं और मैं चाहूँगा एक किलो फूल आप इस्तेमाल करें लें और एक ये है ये इनका सूखा हुआ रूप है मैं ज़रा बता रहा हूँ इसमें कुछ नहीं करना है इसको फूल को पंखुड़ियाँ निकाल देनी है इसकी इसको इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं और इन पंखुड़ियों को जो ये दिखाई दे रही हैं कांच के एक मर्तमान में जो कलरलेस हो उस मर्तमान में पानी लेना है करीब तीन चौथाई भरा हुआ पानी में इसको डाल दें और डालने के बाद सूरज की किरणें तकरीबन छः घंटे में इन पंखुड़ियों से दवाई निकाल के पानी तक पहुंचा देती हैं और आपके लिए दवाई तैयार है दिन में दो बार चार दिन तक इसका प्रयोग करें असर आएगा गेंदे के फूल से ही एक और तरीके से भी इलाज किया जाता है कि इन पंखुड़ियों को लिया और तपती धूप में सुखा लिया जिससे कि ये इस रूप में आ जाए चाय की तरह इसका इस्तेमाल करना है जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हैं उसी तरह से इसका काढ़ा बना लें और दिन में दो बार चार दिन तक ले लें और आप देखेंगे इतने में ही यूट्रस संबंधित तमाम समस्या में आपको काफी फर्क महसूस होगा वैसे एक तरीका और भी है यह है कैस्टर ऑयल ये एक भगवाना है और यह है फलालेन, और यह है एक पॉलीथीन और ये है हीटिंग पैड ये बॉटल को खोल लेना है तीनों को खोल लीजिए और खोलने के बाद इसको अच्छी तरह से गीला कर लीजिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फलालेन का कपड़ा एक बार केस्टर में गीला होने के बाद चार पाँच छः बार तक आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है आप तेल को इस भगौने में डाल दीजिए खाली भगौना है और भगौने में डाल के इसमें फलालेन को डालिए और अच्छी तरह से भीग जाने दीजिए इसके बाद तेल की बॉटल्स को अलग कर दीजिए इस कपड़े को अपने लोअर एपडोमिन में जहाँ पे यूट्रस है खास तौर से उस एरिया में तकरीबन 20 मिनट तक दिन में दो बार चार दिन का प्रयोग करें मेरा दावा है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं ना आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या क्या हो जाएगा और अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पर जाके किताब को डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेड एडिशन के लिए हमको लिख सकते हैं खाओ पियो मस्त रहो क्लींस करो स्वस्थ रहो namaskar